सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए ये वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप एक जियो यूजर्स हो, आपका नेट काफ़ी स्लो है, यहाँ पे कुछ सेटिंग में आपको बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। सेटिंग में आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो अभी आपको बता दूंगा कैसे सेटिंग में जाना है, कहाँ पर करना है, बस APN में जाके थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना है। और मेरा भी पहले स्लो हो रहा था, मैं भी चेंजेस करने के बाद मेरा भी काफ़ी स्पीड हो चुका है, आपका भी स्पीड हो जाएगा। वीडियो आप कम्प्लीटली देखिए, अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बस अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीड स्लो चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि स्पीड थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा नहीं कम्प्लीटली ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन ज़्यादा स्पीड, नेट ज़्यादा स्पीड हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे, काफ़ी हेल्पफुल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस टाइप का हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका नेट स्लो होता है या व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते हैं या कोई फ़ोटो वगैरह सेंड करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल में कुछ सर्च करते हैं, तो बिल्कुल काम अगर नहीं करता है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में कुछ सेटिंग में आपको बताऊंगा, आप कम्प्लीटली पूरा देखिए, डेफिनेटली आपका ये सेटिंग चेंजेस करने के बाद आपका नेट काफ़ी स्पीड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नेटवर्क एंड इंटरनेट यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क, उसे मोबाइल नेटवर्क को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे दो सिम यूज करता हूँ, तो यहाँ पे BSNL एक यूज करता हूँ और एक जियो यूज करता हूँ, तो जियो को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जियो को क्लिक करने के बाद देखिए नीचे एक है एक्सेस पॉइंट नेम्स, आपका देखिए कुछ फ़ोन का सेटिंग वगैरह अलग होता है, तो मे भी आपको थोड़ा सा और कहीं होगा, तो मेरे यहाँ पे है तो एक्सेस पॉइंट, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में ही जाना है, राइट। तो उसे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम में यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ लिख के, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन है, उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम लिखा है, नेम में आपको सिंपली कैपिटल लेटर में यहाँ पे जियो सिम लिखना है, जियो सिम लिख सकते हो, नहीं तो जियो 4G लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे और कुछ लिखना मत, जियो सिम नहीं तो जियो 4G लिखने के बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा है APN, APN में आपको यहाँ पे लिखना है हाच जियो, और कुछ नहीं लिखना है, बस हाच जियो लिख के इसे सेव कर देने के बाद देखिए प्रॉक्सी में भी यहाँ पे हाच जियो नेट लिखना है, राइट। यहाँ पे हाच जियो नेट स्मॉल में लिखना है, उसे ओके कर देना है, राइट। यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना है, यूजर नेम में यहाँ पे जियो लिखना है, जियो देन यहाँ पे हाच दो बार लिखना है, राइट। उसे दो बार लिखना है, पासवर्ड में कुछ चेंजेस मत करना, उसको छोड़ दीजिए। सर्वर में यहाँ पे क्लिक कीजिए, सर्वर में भी वही जियो 4G लिखना है, इतना ही कुछ लिखना है, और कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है। उसको लिखने के बाद यहाँ पे आपको बस सेव कर देना है, राइट। सेव कर देने के बाद कुछ इस टाइप का और एक आ जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे है Jio X Pro 4G लिखना है, तो उसे यहाँ पे देखिए साइट में जो सर्कल है उसे क्लिक कर देना है। अभी मेरा है जियो नेट चल रहा है, आपको नया APN सेटिंग करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, तो उससे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या कहना करना है, फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद आपका नेट काफ़ी स्पीड हो जाएगा, आप में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपका स्पीड हुआ या नहीं।